Hi, I'm Terence Lewis, and this is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. ये कहानी है एक प्रतिभाशाली लड़की की, तमिल परिवार में जन्मी, अपने माँबाप की लाडली, जिसे बचपन से ही नृत्य में अनंत रुचि थी। 4 साल की हो गई है सुधा, देखना, एक दिन ये बहुत बड़ी नृत्यांगना बनेगी। सुधा बेटा, जल्दी करो, नृत्य की कक्षा का वक्त हो गया है। जी पापा, अभी आई। अरे ये क्या, अब तक घुंघरू क्यों नहीं पहने? अरे, अरे, रुको। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी, मैं नचूंगी फिरा कठिन अभ्यास के बाद सुधा अपने नृत्य कला से देश भर में प्रसिद्ध होती गई। 1981 में जब वो 16 साल की हुई तब तिरुचिरापल्ली में उन्हें नृत्य प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रेकिंग न्यूज, तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सफर करने वाले कई यात्री बुरी तरह घायल हो चुके हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? सुधा के दाएं पैर में जहर फैल चुका है, उसकी जान बचाने के लिए हमें उसका पैर उसके शरीर से अलग करना पड़ेगा। अरे बिचारी, कितना बुरा हुआ। अच्छी डांसर थी। हिम्मत रखा कर बेटी, पता नहीं कैसे चल पाएगी। कितना पैर कटा, घुटने से ऊपर गया या घुटने से नीचे? अरे कितना बुरा, हिम्मत रखा कर बेटी। कितना बुरा, अरे बिचारी। आज से मैं बनूंगा तुम्हारा वो पैर जो तुमने खोया है। गिर के उठना, उठ के चलना, चल के दौड़ना, पर कभी रुकना मत। नमस्ते, आज 3 साल बाद ये नृत्यांगना पूरे हौसले के साथ फिर लौटी है इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे देश की शान और हौसले की पहचान सुधा चंद्रन। अच्छी डांसर थी। कितना पैर कटा, अरे बिचारी। Namaste.
असंभव को संभव किया है। मेरे लिए तुम साक्षात माँ सरस्वती का अवतार हो। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। जो कहानी आपने दर्शाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो एक जर्नी को याद दिलाने के लिए, और कोई दुख नहीं है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। गर्व इस बात की है कि एक लड़की होकर, एक औरत होकर मैंने ये कर दिखाया है। क्योंकि अक्सर यही कहते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती है, औरतें क्या कर सकती है। अरे औरतें ही तो ये कर सकती हैं। लोग तो बातें करते रहते हैं जी मेरी जिंदगी के बारे में जी, बट वो सफर, 3 साल का जो सफर था, जिसे मैं बैकग्राउंड में बंद करके लॉकर के अंदर रखी थी जी, आज वो सारे तार हिलने लगे। और मेरे पिताश्री, खास तौर से आई सॉ माय फादर इन यू टुडे। आज से मैं बनूंगा तुम्हारा वो पैर जो तुमने खोया है। गिर के उठना, उठ के चलना, चल के दौड़ना, पर कभी रुकना मत। बिकॉज मुझे याद है उस एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपका पैर नहीं रहेगा, तो माई फादर वॉक्ड इन टू द रूम एंड सेड कि मैं वो पैर बनूंगा। तो मैंने कहा कब तक बनोगे? तो उन्होंने उस वक्त एक वादा किया था मुझसे कि मैं तब तक तुम्हारे साथ चलूंगा जब तक तुम कुछ नहीं बन जाओगी और तुम अपने कला में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगी। और उन्होंने अपना वादा निभाया। He was with me till last 2 years. He saw my success. और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि किसी भी बच्चे के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप अपने माता पिता को ये गिफ्ट दे सकें। मेरे पेरेंट्स मेरे सामने दिन भर बहुत खुश रहते थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो आपस में बात करते थे कि बेटी का क्या होगा, इसकी जिंदगी का क्या होगा। उस वक्त मैंने वादा किया, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो मौका दे दो कि मैं स्टेज पर आऊं और जो लोग ये कह रहे हैं कि बिचारे सुधा के, यू नो, जैसे आपने आज डिपिक किया था जी, वो बाहर आके ये बोले कि वो है सुधा चंद्रन के माता पिता। बस इतना ही मेरा एजेंडा था। मैं देवपर्णा के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे वाह। मैं घुंघरू लेकर आई हूँ और लॉर्ड नटराजा लेकर आई हूँ। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर ये आपके साथ रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड कीप डांसिंग। लव यू। आज लेडीज स्पेशल के लिए इससे अच्छी इंस्पिरेशनल कहानी शायद ना होती। हम डांसर्स के लिए खास करके, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। सो थैंक यू फॉर दिस, गॉड ब्लेस यू, वेरी वेल डन। थैंक यू मैम। ऑलराइट देन, तो अब बारी है स्कोर्स की। तो आपका टोटल होता है 25। पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस और इस हफ्ते के परफॉर्मेंस को मिलाकर आपका टोटल होता है 85। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।